स्टोरी की स्टार्टिंग होती है ऑस्ट्रेलिया के छोटे से शहर योराना से, जहां हम एक टीनेज लड़के व्यू को देखते हैं जो कि लेट नाइट अपने घर जा रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से रास्ते में उसे पास के ग्रेवयार्ड से एक औरत की रोने की आवाजें सुनाई देती है, तो क्यूरोसिटी में व्यू छुपते छुपाते हुए उस ग्रेवयार्ड के अंदर चला जाता है, जहाँ पर उसे एक कब्र के पास में एक नग्न औरत कीचड़ में लिपटी हुई दिखाई देती है, जो कि बहुत ज्यादा रोते हुए मदद मांग रही होती है। लेकिन व्यू भी आज के टीनेजर्स की तरह ही वहाँ हो रही सारी अजीब घटनाओं की वीडियो बनाने लग जाता है, क्योंकि देखते ही देखते आसपास की और भी कब्रों के अंदर से जिंदा इंसान बाहर आने लग गए थे। वहीं दूसरी तरफ हम कहानी के मेन किरदार जेम से मिलते हैं, जो कि इस शहर का पुलिस ऑफिसर है, और अभी वो एक बूढ़ी औरत के घर आया हुआ है, क्योंकि उस बूढ़ी औरत का कुत्ता बहुत दिनों से लगातार भौंके जा रहा था, यहाँ तक कि इस कुत्ते ने तो एक भेड़ की जान भी ले ली थी। लेकिन तभी जेम्स को अपने सीनियर से ग्रेवयार्ड जाने के ऑर्डर्स मिल जाते हैं, शायद व्यू ने ही उन्हें कॉल करके उन घटनाओं के बारे में बताया होगा। वेल तो जेम्स को ग्रेवयार्ड में वो लेडी मिल जाती है, जिसे जेम्स अपने कपड़े देकर मेडिकल हेल्प बुलाता है, क्योंकि उस लेडी के पैर में चोट लग गई थी, जहाँ पर कुछ देर में डॉक्टर लीसा पहुँच जाती है। और लेकिन उनके आते ही जेम को चार लोग और मिल जाते हैं, जो कि नग्न होने के साथ साथ कीचड़ से लिपटे हुए थे। साथ ही उनमें से किसी को उनका नाम पता ही नहीं था, क्योंकि बेसिकली उनके पास उनकी यादें थी नहीं। हॉस्पिटल आने पर लीसा उन सभी को फ्रेश होने के लिए बोलती है, ताकि वो उनका ट्रीटमेंट कर सके। लेकिन इस अजीब घटना को देखकर जेम्स के साथ हम सब भी समझ जाते हैं गाइस कि वो सभी लोग ग्रेवयार्ड में कोई काला जादू का रिचुअल कर रहे होंगे, जिस दौरान ड्रग्स वगैरह लेने से उन सबको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हुआ होगा। जेम्स और लीसा के साथ साथ वहाँ पर पांच लोग और भी थे, जो कि कंफ्यूज थे कि यहाँ पर क्या चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ ग्रेवयार्ड में एक बंदा जेम्स से छूटकर भाग गया था, जो कि कुछ फटे पुराने कपड़ों को पहनकर शहर में घूमने लग जाता है, और इस बंदे पे व्यू ने पहले से ही नजर बनाए रखी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में जब वो लेडी अपनी वेडिंग रिंग देखती है, तो उसे याद आ जाता है कि उसका नाम केट है। वहीं हॉस्पिटल से एक बंदा भागने लग जाता है, क्योंकि उसे जेम्स की बातें समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। भागते भागते उसे याद आता है कि उसका नाम कार्लो है और वो एक इटालियन है। जेम्स उसे समझा बुझा कर फिर से वापस में हॉस्पिटल लेकर आता है। लेकिन जैसे वो अंदर आता है, तो केट को देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसको तो यकीन ही नहीं हो रहा था। जेम्स उन्हें एक फोटो दिखाता है जिसमें केट और वो लोग साथ में थे। जेम्स के मुताबिक केट के हाथ पर एक बर्थमार्क है, जहां चेक करने पर उन्हें केट के हाथ पर बर्थमार्क मिल भी जाता है, जहां पर जेम पूरी तरह से कंफर्म था कि केट उसकी वाइफ है, जो कि समहाउ वापस लौट आई है, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा खुश था। लेकिन केट को खुद का डेथ सर्टिफिकेट देखने के बाद भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो दोबारा से जिंदा हुई है। जेम्स वापस से ग्रेवयार्ड में आकर केट को उसकी कब्र दिखाता है। ये सब देखकर केट काफी ज्यादा पैनिक करके वहाँ से भाग जाती है। जेम्स भी उसके पीछे जाता है कि तभी वहाँ पर जेम्स का सीनियर ऑफिसर डैन आ जाता है। जेम्स उसे कुछ भी नहीं बताता कि वहाँ पर क्या चल रहा है, लेकिन वहाँ के आसपास की कब्रों को देखकर वो ये समझ जाता है कि जो भी लोग ग्रेवयार्ड में उसे मिले थे, वो दोबारा से जिंदा हुए हैं। ये बात वो डॉक्टर लीसा को भी बताकर उन्हें रीबॉर्न पर नजर रखने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ व्यू को भी वो आदमी पकड़ लेता है, जिसका पीछा वो कर रहा था, और उसका नाम पैट्रिक है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो अभी सपने में है। लेकिन व्यू उसे समझाता है कि दद्दू आप रियलिटी में ऐसे कीचड़ में लिपटे हुए ही घूम रहे हो, जहाँ पर पैट्रिक व्यू के साथ में एक बार में आता है, जहाँ शराब पीने के बाद पैट्रिक तोड़फोड़ करने लग जाता है, और इसके बाद वो व्यू के साथ में एक शॉप को भी लूट लेता है। यहाँ पर पैट्रिक की हरकतों से व्यू भी पैट्रिक की कंपनी को एंजॉय कर रहा था, और इसी मस्ती के बीच में फिर उन्हें सड़क पर पैट्रिक की स्टैचू दिखती है, जहाँ गाइस हमें ये पता चलता है कि पैट्रिक तो इस शहर का पहला मेयर था, जिसकी मौत 150 साल पहले हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में एक और टैन लेडी, जिसका नाम नैंसी है, उसे अपना नाम याद आता है। वहीं जेम्स को केट एक पार्क में मिल जाती है, और अब केट को भी सब कुछ याद आ गया था कि वो ब्रेस्ट कैंसर की वजह से मारी गई थी। जब वो वापस से हॉस्पिटल में आते हैं, तो जेम्स, लीसा और केट ये सब लोग रिफोन वाली बात सबको बताने से मना करते हैं, क्योंकि अगर गवर्नमेंट को जरा भी इस अजीब से चल रहे इंसिडेंट के बारे में पता चल गया, तो वो सब लोग एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देंगे इन लोगों पर। वही कार्लो को भी कुछ याद आ जाता है, और वो वहाँ से भागकर फैसिलिटी में घुसते हुए शेरिफ एस्टली के द्वारा पकड़ा जाता है। जेल में बंद होने के बाद फिर कार्लो को याद आता है कि युद्ध में वो अपने भाई यानी कि अलेक्जेंडर के साथ में पकड़ा गया था, और टॉर्चर को सहन नहीं कर पाने की वजह से ही उसकी मौत हो गई थी। जहाँ पर तभी पुलिस स्टेशन में जेम्स आता है, और वो बड़ी चलाकी से एस्टली को घर भेजकर कार्लो को अपने साथ में हॉस्पिटल ले आता है। रिबॉर्न वाली बात को अब सब लोग एक्सेप्ट कर चुके थे पूरी तरह से, और लेकिन वहीं इसी दौरान लीसा को ये याद आता है कि कार्लो के भाई अलेक्जेंडर की डॉक्टर भी वही थी, लेकिन एलेक्स को उन लोगों ने दूसरे शहर में शिफ्ट कर दिया था। तो जेम्स कार्लो के साथ में अपने भाई से मिलने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन शहर से बाहर ले जाने वाली ब्रिज को क्रॉस करते ही
कार्लो की बॉडी धूल में बदल जाती है और जेम्स कार्लो की राख को वापस से हॉस्पिटल में ले आता है। लेकिन ये सब कुछ शरीफ एस्ली ने भी देख लिया था और वो समझ गई थी कि कुछ गड़बड़ तो जरूर चल रही है यहाँ पर। सुबह में लिसा केट को ब्रेस्ट कैंसर को चेक करने लग जाती है तो केट अब पूरे तरीके से ठीक हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ ग्रेवियार्ड से हम एक और बंदे को कपड़े से निकलते हुए देखते हैं जो कि बिना कपड़ों को ही एक स्कूल में चला जाता है। वहीं पर जेम्स और लिसा ने भी सभी कब्रों को ठीक कर दिया था ताकि किसी को कोई भी शक ना हो। बट कल रात जब चार लोगों की मौत हुई थी कि तभी उसका भाई एलेक्स भी मारा गया था और उनकी मौत के बीच में जेम्स को कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर लगता है। जो बंदा स्कूल में गया था उसके कब्र में लिसा को कुछ मिलता है जिसे वो जेम्स से छुपा लेती है, जिसके बाद जेम्स उस नए बंदे को स्कूल से पकड़ कर हॉस्पिटल में लेकर आ जाता है। रास्ते में उसे एस्टली मिलता है जो कि दुकान में हुए चोरी की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। वही हमें पता चलता है कि इस दुकान से पैट्रिक ने करोड़ों रुपए चुराए हैं और वो अभी ब्यू के साथ में अपनी पुरानी हवेली में आया हुआ है, जहाँ वो कुछ ढूंढने लग जाता है और ब्यू को उस हवेली में रह रहे बच्चे जो कि पैट्रिक के वारिस थे वो उन्हें पकड़ लेते हैं। वो सब ब्यू को टॉर्चर कर रहे थे कि तभी वहाँ पर उन बच्चों की मॉम आ जाती हैं, लेकिन तब तक ऊपर पैट्रिक को चिमनी में एक बॉक्स मिल गया था। वहीं नीचे ब्यू को ऑफिसर क्रिस पकड़ लेता है और वो पुलिस स्टेशन में उसे ले जाता है, लेकिन ब्यू एक नाबालिग है और इसलिए वो उसे छोड़ देता है। बट जाने से पहले ब्यू ने वहाँ पर उसे पैट्रिक के बारे में सब कुछ बता दिया था। हॉस्पिटल आने पर जेम उन सब को उनका नाम बताता है जिसमें नैन्सी का नाम मारिया था, लेकिन उसे जेम्स की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वहीं दूसरी टीनेज लड़की का नाम क्रिस्टिन है और उस लड़के का नाम चार्ली है और जिस बंदे को जेम्स ने स्कूल में पकड़ा था उसका नाम जॉन है। क्रिस्टिन के पैर में बहुत गहरी चोट लगी थी तो जेम्स उसे शहर के बाहर वाले हॉस्पिटल में लेकर जाने लग जाता है, लेकिन वापस से ब्रिज को क्रॉस करते हुए फिर से क्रिस्टिन और चार्ली की आंखों में से खून आने लग जाता है। तो ये सब कुछ देखकर जेम्स समझ गया था कि शहर के बाहर जाते ही रीबॉर्न हुए लोग धूल में बदल जाएंगे और इसलिए वो उन्हें वापस ले आता है। वहीं दूसरी तरफ एस्टली लिसा से मिलने के लिए आता है क्योंकि उसे कार्लो पर चोरी का शक है और जेम्स ने उसे बताया था कि उसने कार्लो को लिसा के हॉस्पिटल में छोड़ दिया था। वहीं इसी बीच केट के साथ में नैन्सी अपनी कब्र पर आती है, जहां उसे पता चलता है कि उसका नाम मारिया ही है और नैन्सी तो उसकी बेटी का नाम है जिसकी कब्र भी वहीं पर थी। और ये देखकर मारिया बहुत ज्यादा रोने लग जाती है तो केट उसे अपने घर ले आती है, जहाँ वो ये देखकर शॉक्ड हो जाती है कि जेम्स ने उसकी ही बेस्ट फ्रेंड सारा से शादी कर ली थी और अभी सारा प्रेग्नेंट भी थी। ये सब कुछ जाने के बाद केट वहाँ से रोते हुए शहर से बाहर जाने लग जाती हैं और जब मारिया के समझाने पर भी वो नहीं रुकती हैं, तो मारिया अपने घर आ जाती है जहाँ पर अब कोई और ही रह रहा था। वहीं दूसरी तरफ जेम्स वहाँ पर उन दोनों को वापस से हॉस्पिटल लेकर आ गया था और अब लिसा को भी ये पता था कि शहर के बाहर जाने पर रिबन हुए लोग धूल में बदल रहे हैं। वहीं जेम्स को पता चलता है कि केट के साथ मारिया भी गायब है, तो शहर में ढूंढने पर जेम्स को मारिया मिल जाती है, जिसे उसे केट के बारे में पता चलता है कि वो मारिया को वापस से हॉस्पिटल जाने को बोलता है और वो केट के पास में जाता है जो कि शहर के बाहर बस जाने ही वाली थी, क्योंकि इसे लग रहा था कि जब वो जिंदा थी तब से ही जेम्स और सारा का चक्कर चल रहा है। लेकिन जेम्स उसे समझाता है कि उसकी मौत के बाद कि उसकी फैमिली ने जबरदस्ती उसकी शादी सारा से करवा दी थी, क्योंकि केट के जाने के बाद वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया था। ये सब को सुनने के बाद केट भी जेम्स के साथ वापस से आ जाती है। वहीं केट को लिसा के पास छोड़ने के बाद जेम्स फिर पुलिस स्टेशन में जाता है, जहां उसे पता चलता है कि एस्टली ग्रेवियार्ड में टूटे कब्रों की बात पर रिसर्च कर रहा था। तो जेम्स उसे बता देता है कि उन कब्रों में दफन लोग जिंदा हो गए हैं जिसमें उसकी 5 केट भी हैं। लेकिन एस्टली को तो उसकी बातों पर यकीन ही नहीं होता है, पर रात में घर लौटते टाइम जब उसका कार एक्सीडेंट होता है तो एस्टली मरकर वापस से जिंदा हो जाता है और एस्टली को जेम्स की बातों पर फिर यकीन भी हो जाता है। ये बात वो अगली सुबह जेम्स को भी बता देता है कि वो अब उस पर यकीन करता है। वहीं दूसरी तरफ लिसा ने सभी रीबॉर्न को अपने दूसरे घर में छुपा कर रखा हुआ था ताकि एस्टली उन तक नहीं पहुंच पाए, जहां पर वो उन रीबॉर्न की सेफ्टी के लिए लिसा जेम्स को भी उसका पता बताने से मना कर देती है। लेकिन जेम्स को चर्च से कॉल आता है क्योंकि मारिया चर्च में आकर बहुत ही अजीब बर्ताव करने लग गई थी, जहाँ पर जेम्स मारिया से मिलकर उसे ये डील करता है कि वो उसे उसके हस्बैंड यानी डस्टिन से मिलवाएगा, लेकिन बदले में मारिया जेम्स को वहाँ लेकर जाएगी जहाँ लिसा ने सभी रिबॉन्स को रखा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ वृद्धाश्रम में डस्टिन मारिया से मिलते ही वो मारिया को फोर फोर बोलने लग जाता है, क्योंकि डस्टिन को डिमेंशिया की बीमारी थी यानी पागलपन की बीमारी थी। डस्टिन की बातों को सुनकर मारिया को याद आ जाता है कि पेंसर नाम का एक ड्राइविंग टीचर हमेशा उसके साथ में बदतमीजी करता रहता था। साथ ही डस्टिन की बातों से मारिया को उसके कैरेक्टर पर भी शक होने लग जाता है, लेकिन पेंसर से मिलने के बाद मारिया कंफर्म हो जाती है कि उसका अफेयर किसी के साथ में भी नहीं था, बल्कि डस्टिन ही हमेशा उस पर झूठे इल्जाम लगाकर उस पर शक किया करता था क्योंकि उसे शक की बीमारी जो थी। फिर इसके बाद मारिया जेम्स को
लिसा के पास लेकर आती हैं, जहां जेम्स केट से मिलकर फिर उसे उसके फेवरेट लेक हाउस पर लेकर जाता है। और इस लेक हाउस में रहना यहाँ पर इन दोनों का सपना हुआ करता था, जहाँ पर केट ये जानकर बहुत खुश हो जाती है कि उसके जाने के बाद भी जेम्स ने यहाँ पर इस लेक हाउस को अकेले ही बनाया है। लेक हाउस में केट की सारी चीजें जेम्स ने बहुत ही संभाल कर रखी हुई थी। वहीं उसी रात तस्ली भी जेम्स को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे वो नहीं मिलता है। वहीं दूसरी तरफ घर पर जॉन और क्रिस्टिन आपस में भड़क जाते हैं, क्योंकि जॉन को उसके बारे में कुछ भी नहीं याद आया था। जहाँ पर जॉन ने क्रिस्टिन के साथ साथ चार्ली की भी धुलाई कर दी थी, वहीं लिसा जॉन से मिलकर फिर उसे अकेले में समझा देती है कि लोगों से लड़ाई करने से यहाँ पर उसकी यादाश्त वापस बिल्कुल भी नहीं आएगी। मॉर्निंग में मारिया डस्टिन से मिलकर बता देती है कि उसका किसी के साथ में कोई अफेयर नहीं था। वहीं इस दौरान मारिया को याद आ जाता है कि डस्टिन के शक करने की वजह से वो कार लेकर अपने घर जा रही थी, और तभी उसी कार में उसकी बेटी नैन्सी उसे मिलती है, जो कि गलती से कार में उसके साथ आ गई थी और ध्यान भटकने के कारण कार का वहीं पर एक्सीडेंट हो गया था। मारिया के साथ साथ उसकी बेटी भी मारी गई थी। फिर मारिया अपनी बेटी की कब्र के पास आकर उसे माफी मांग रही होती है कि तभी वहाँ पर रेस्टली आकर मारिया को समझाने लगता है कि अगर सारे रिबॉन दूसरे साइंटिस्ट के पास जाएंगे तो हो सकता है कि वो साइंटिस्ट उनके मरकर जिंदा होने का पता लगा सकते हैं, जिससे कि मारिया अपनी बेटी नैन्सी को भी जिंदा कर सकती है। दरअसल लेस्ली यहाँ पर मारिया को बेवकूफ बनाकर लिसा का पता पूछना चाहता था, और रास्ते में मारिया को एस्ली पर शक हो जाता है तो वो वहाँ से भागती है और एस्ली मारिया को मार डालता है। वहीं दूसरी तरफ क्रिस्टिन को भी बाथटब में याद आ जाता है कि उसका मर्डर हुआ था, लेकिन उसे उसके किलर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो वो चार्ली के साथ में एक जंगल पार्टी में आती है, जहाँ पर क्रिस्टिन एक रैंडम लड़की के साथ में तालाब में जाकर उसे सेड्यूस करती है, कि तभी वहाँ पर जेम्स और चार्ली आकर क्रिस्टिन को बचा लेते हैं, क्योंकि क्रिस्टिन उस रैंडम लड़की से खुद को पानी में डुबा रही थी। जहाँ पर उसकी फाइल देखने पर उसे पता चलता है कि उसका मर्डर किसी और ने नहीं बल्कि उसके बॉयफ्रेंड यानी केविन ने ही किया था। मैं यहाँ पर आपको बता दूं गाइस कि अभी रिबॉन के साथ में लिसा और जेम्स को भी यही लग रहा था कि वो लोग जिंदा से वापस इसलिए हुए क्योंकि भगवान शायद उनसे कोई काम करवाना चाहते हैं। जेम्स क्रिस्टिन को केविन का नंबर देकर वो खुद केविन से मिलने के लिए जाता है, लेकिन केविन जेम्स से बात नहीं करता है और वो उसे अपने घर से भगा देता है। जहाँ पर तभी क्रिस्टिन केविन से बात करके उसे तालाब के पास मिलने के लिए बुलाती है, ताकि वो अपनी मौत की सच्चाई को जान सके। जहाँ पर केविन भी मान जाता है, क्योंकि क्रिस्टिन की आवाज़ सुनकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था। जब जेम्स को जंगल में पैट्रिक भी मिल जाता है, और अब वो पैट्रिक को सारे रिबन्स के बारे में बताकर लिसा के पास लेकर आता है, लेकिन पैट्रिक सभी भी उस खुफिया बॉक्स को खोलने में लगा हुआ था। बड़ी मेहनत के बाद फिर पैट्रिक उसे खोल पाता है और उस बॉक्स में उसे उसके प्यार यानी जिया का एक कपड़ा मिलता है, और पैट्रिक उस जगह पर आता है जहाँ पर जिया का परिवार रहा करता था। वहाँ पर उसकी मुलाकात बियो के परिवार से होती है, जिसका साफ मतलब यही था कि बियो का परिवार जिया का वंशज है। बियो की दादी को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि पैट्रिक जिया को जानता था, क्योंकि पैट्रिक को उनके कुछ फैमिली सीक्रेट पता थे। जब बियो की माँ पैट्रिक पर भड़क जाती है क्योंकि पैट्रिक ने उन्हें नाजायज बना दिया था, साथ ही उसने कभी भी जिया को सबके सामने नहीं अपनाया था। बियो की मर्जी के खिलाफ पैट्रिक को घर से बाहर निकाल दिया जाता है, जहाँ पर पैट्रिक उन्हें अपनी आधी प्रॉपर्टी देने का फैसला कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ जॉन इस दुनिया में खुद को एडजस्ट नहीं कर पा रहा था, जहाँ वो एक पूल में डूबकर सुसाइड करने की कोशिश करता है, लेकिन लिसा उसे बचा लेती है और एक पुराने से म्यूजियम में लेकर आती है, जहाँ हमें ये पता चलता है कि जॉन एक मर्डरर है, जिस वजह से जॉन और उसके दो साथियों को फांसी की सजा हुई थी। ये सुनकर जॉन और भी ज्यादा दुखी हो जाता है, लेकिन लिसा उसे समझाती है कि तुम्हें अपना पास याद आ रहा है, क्योंकि गॉड चाहते हैं कि जॉन पिछली लाइफ को भूलकर वापस से आगे बढ़े। तो जॉन लिसा को किस करके वहाँ पर उसके साथ में आगे बढ़ने लगता है। वहीं उसी रात क्रिस्टिन केविन से मिलती है, जहाँ पर केविन उसे देखकर बहुत ही शॉक्ड हो जाता है। वो ये बात मानता है कि उसने जब उसका मर्डर किया ही नहीं है तो सबने उसे ही मर्डर समझा, और साथ ही उसे 10 साल की सजा भी हुई थी। फिर वहीं पर क्रिस्टिन को ये याद आता है कि उसके किलर के हाथ पर एक गोल्ड टैटू बना हुआ था। नेक्स्ट मॉर्निंग के डायरेक्ट सारा और जेम्स से मिलने के लिए घर आ जाती है, और तब शुरू होता है असली कलेश, जहाँ पर केट को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उसके मरने के बाद उसके पति से शादी कर ली थी और अभी वो प्रेग्नेंट भी है। दोनों का झगड़ा धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। जेम्स चिल्लाकर उन्हें समझाता है कि वो उन दोनों से प्यार करता है। जहाँ पर कुछ देर बाद केट और सारा के बीच में भी सब कुछ ठीक हो जाता है। वहीं चार्ली को उसका नाम एक स्टैचू के नीचे देखने को मिलता है, और वहीं उसे रॉयल होटल का कार्ड भी मिलता है। फिर वो अपने स्टोरेज आने के लिए क्रिस्टिन के साथ में रॉयल होटल में आ जाता है।
होटल के मैनेजर को पुराने सोल्जर से बहुत ज्यादा लगाव था, तो चार्ली मैनेजर को बताता है कि वो चार्ली का ग्रैंडसन है और उसे चार्ली के बारे में बहुत सारी जानकारी चाहिए। वहीं क्रिस्टिन ने ज्यादा ही पी ली थी तो वो उसे होटल के रूम में सुलाते हैं और वहीं मैनेजर चार्ली को दूसरे कमरे में लेकर आता है जो कि एक छोटा सा म्यूजियम था और जहां चार्ली को एक ग्रुप फोटो मिलती है जिसे देखकर चार्ली को याद आ जाता है कि वो अपने दोस्त जॉर्ज के साथ में जंग में था जहां पर स्नाइपिंग करते हुए उसका दोस्त मारा जाता है। और बाद में चार्ली को ये भी याद आ जाता है कि जॉर्ज सिर्फ उसका दोस्त ही नहीं था बल्कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते थे। वैसे अभी तो ये सब लोग यही पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि वो मरे कैसे थे। वहीं दूसरी तरफ एस्ली लीसा के घर में आकर उसे जबरदस्ती रिवन लोगों के बारे में पूछने लग जा रहा था, लेकिन तभी जॉन एस्ली पर हमला करता है। पर एस्ली आसानी से जॉन को ओवर पावर करके उसे गन पॉइंट कर लेता है, जहां पर एस्ली को लीसा के घर में कोई और नहीं मिलता है लेकिन उसे वो सीटी मिल जाती है जो कि लीसा को जॉन के कब्र से मिली थी। और इसके बाद वो एस्ली को धमका कर जेम्स को भी वहां पर बुला लेते हैं, जहां पर जेम्स आते ही समझ जाता है कि एक्सीडेंट के बाद से एस्ली बहुत ही अजीब हरकतें करने लग गया है और उसको उन दोनों पर शक होता है कि वो दोनों उससे कुछ न कुछ तो छुपा रहे हैं। लेकिन तभी वहां पर पैट्रिक आ जाता है और एस्ली गोली चलाने लग जाता है और इन सब में पैट्रिक वहां से सही सलामत भाग भी जाता है लेकिन एस्ली घायल हो जाता है। जेम्स लीसा को एस्ली का इलाज करने के लिए बोलता है और ना चाहते हुए भी लीसा को उसका इलाज करना पड़ जाता है। वहीं बाहर जेम्स को एस्ली की कार में उसे मारिया की डेड बॉडी मिलती है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो गया था। वहीं दूसरी तरफ केट और सारा भी परेशान हो रहे थे क्योंकि जेम्स अभी तक घर नहीं लौटा था। वो लोग उसे ढूंढने के लिए कार में निकल पड़ती हैं लेकिन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है तो केट वहां से अपनी बाइक लेकर निकल जाती है और सारा फिर पुलिस स्टेशन जाके नकली केट के बारे में वो क्रिस को बता देती है और उसे पकड़ने के लिए कहती है, जहां पर केट से मिलने के बाद क्रिस बहुत ज्यादा शॉक हो गया था ये देख कि वो सच में जिंदा है। वेल तो क्रिस और सारा को यहाँ पर यही लग रहा था कि केट कोई भैरूपिया है जिसने केट की पूरी आइडेंटिटी को ही कॉपी कर लिया है तो वो लोग उसे जेल में बंद कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ पैट्रिक पियो के साथ में वहां जाकर अपने परिवार वालों से मिलता है और उसकी प्रॉपर्टी उसे देने के लिए कहता है लेकिन वो सब लोग तो उसे ही वहां से भगा देते हैं। वहीं इसी बीच पैट्रिक और बियो की भी लड़ाई हो जाती है वहां पर उस बच्चे से जिसने बियो को बुली करके उसका फोन भी ले लिया था। तो पैट्रिक उस बच्चे की गर्दन पर खंजर रख कर उसको धमका रहा होता है, जहां पर पैट्रिक को याद आता है कि उसके खुद के बेटे ने प्रॉपर्टी के लिए उसकी जान ले ली थी। वहीं दूसरी तरफ जेम्स क्रिस को रिपोर्न हुए लोगों के बारे में कुछ भी नहीं बताता है और केट के साथ में निकल पड़ता है। जेम्स केट को बताता है कि उसे लीसा पे पहले से ही शक हो रहा था कि वो उन रिबॉर्न लोगों पर एक्सपेरिमेंट कर रही है क्योंकि पहले भी लीसा चार्ली की मदद से ये चेक कर रही थी कि वो सब शहर से बाहर निकल सकते हैं या फिर नहीं, जहां पर उसी दरमियान चार्ली की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ लीसा ने एस्ली का इलाज भी कर दिया था लेकिन वो जॉन से एस्ली को मारने के लिए बोलती है। जॉन के जाते ही वहाँ जेम्स आ गया था जो कि लीसा से नॉरी गार्ड के बारे में पूछता है तो लीसा उसे बताती है कि नॉरी गार्ड एक फैसिलिटी है जहाँ पर वो यहाँ आने से पहले काम किया करती थी लेकिन उसे सच में नहीं पता था कि आखिर लोग वापस जिंदा क्यों हो रहे हैं और यहाँ क्या चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम अंदर जॉन को देखते हैं जो कि एक चाकू लेकर एस्ली को मारने ही जा रहा होता है क्योंकि अब सब जानते थे कि एस्ली ने ही मारिया को मार दिया है, साथ ही उसकी बॉडी को पैट्रिक चार्ली और क्रिस्टिन ने दोबारा से दफना दिया है। जिसके बाद एस्ली जॉन को लीसा के बैग से वो सीटी निकालने के लिए बोलता है जो कि उसे जॉन के कब्र से मिली थी। जॉन सीटी बजाता है जिसकी आवाज सभी रिबॉन लोगों को सुनाई देती है और जॉन को भी याद आ जाता है कि कैसे वो मारा गया था, जहां पर एस्ली जॉन को बताने लग जाता है कि जिंदगी का मतलब ही मौत होता है तो इसलिए उन्हें अब उन सभी रिबॉन हुए लोगों को मार देना चाहिए क्योंकि मरकर जिंदा होना नेचर के खिलाफ है। जहाँ पर उसकी बातों में आकर जॉन चार्ली और क्रिस्टिन के साथ में वो केट को भी पकड़कर शहर से बाहर ले जाने लग जाते हैं ताकि उन सबकी मौत दोबारा हो जाए लेकिन उन्हें रोकने के लिए जेम्स और लीसा वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जेम्स के रोकने पर भी एस्ली उसकी बात अगर नहीं मानता है तो जेम्स उसे गोली मार देता है। जेम्स को अपने इस फैसले पर बहुत गिल्ट हो रहा था लेकिन तब सब उसका ही सपोर्ट करते हैं क्योंकि उसने उन सबकी जान जो बचाई थी। जॉन भी अभी शहर के बाहर जा रहा था तो लीसा उसे समझा कर बाहर जाने से रोक लेती है। तभी जेम्स को हॉस्पिटल जाना पड़ जाता है क्योंकि सारा जल्द ही बच्चे को जन्म देने वाली थी। वो एक बेटी को जन्म देती है जिससे कि वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश थे लेकिन सारा ब्लीडिंग की वजह से मारी जाती है और जब जेम्स सारा के पास आकर रो रहा होता है तभी सारा फिर से अचानक से जिंदा हो जाती है। डॉक्टर को भी ये सब मिरेकल लग रहा होता है और इस मिरेकल को जेम्स ने पहले भी देख रखा था और वो अभी भी रिबॉर्न हुए लोगों को दोबारा से जिंदा होने के रहस्य को सुलझाने में लगा हुआ था। लेकिन सीरीज के एंड में जेम्स को पता चल जाता है कि एस्ली की मौत भी 4 साल पहले हो चुकी थी, मतलब कि वो भी एक रिबॉर्न है।
तो अब ये सीरीज इसी बड़े ट्विस्ट के साथ खत्म होती है और रिबॉर्न हुए लोगों को दोबारा जिंदा होने का रहस्य इसके नेक्स्ट सीजन में खोलेगा, जिसे मैं जल्द ही अपने चैनल पर लेकर आऊंगी। लेकिन उसके लिए मैं आपको 3 मैजिकल वर्ड्स बोलना चाहती हूँ, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, क्योंकि जब तक आप बहुत सारे लाइक और प्यारे प्यारे कमेंट नहीं करेंगे, मैं इसके बाकी के सीजन को अपलोड नहीं करूंगी। सो आई होप कि आपको सीरीज पसंद आई होगी, तो फटाक से लाइक और कमेंट करके जाइएगा। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए और खुश रहिए। बाय बाय।